सलाम वालेकुम मैम, जाग गए हो आप? सुबह सवेरे किसने जगा दिया आपको? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इब्राहिम को सुबह सुबह मैंने तो नहीं जगाया, खुद ही जाग गया। शायद मैंने लाइट ऑन किया था, वो जाग गया। तो हम हो चुके हैं रेडी, सुबह के कोई बज चुके हैं, टाइम पीछे घड़ी है, सब अच्छे हो रहे हैं। 5 बजे के हम उठे हुए हैं, नमाज़ पढ़ी है, रेडी हुए हैं और अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो लास्ट जो मेरा व्लॉग था वो आपने देखा था पाकिस्तान में, तो अभी हम आ चुके हैं ओमान में और यहाँ का ये फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये सामान है जो कि रेडी हो चुका है गाड़ी में जाने के लिए। तो कल जो बड़ा बड़ा सामान था, मोटा मोटा सामान था, वो हमने गाड़ी में रख दिया था ताकि सुबह हमें जो है वो देर ना हो। तो जो ट्रिप है हमारा वो जा रहा है सलाला में, और लास्ट टाइम तो हम गए थे 2 से 3 लोग थे, मतलब मैं था, मेरी वाइफ थी और इब्राहिम था। तो तब तो ये छोटा था, कुछ 6-7-8 महीने का था। तो अभी जो है हम फुल फैमिली जा रहे हैं, तकरीबन कोई 10 से 12 लोग हैं हम, 10 बड़े लोग हैं और 2 जो है ये बच्चे हैं। तो फुल टाइम इन्जॉयमेंट वाला सीन होने वाला है। यहाँ से भी हम निकलते हैं, देखें प्लान तो था कि नमाज के घंटे बाद निकल जाएंगे, लेकिन अब 1/4 घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं निकले। बस नाश्ता जो है वो बन रहा है। जैसे हम नाश्ता करते हैं यहाँ से निकलते हैं, तो आपको सफ़र भी दिखाते हैं और बाकी जो वहाँ पर जो सीन है सलाला का वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर में निकलते हैं। तो गाइस नाश्ता इज रेडी। ये हाफ अंडा कि फुल अंडा है? वैसे तो फुल लग रहा है लेकिन है तो हाफ फ्राई, लेकिन हाफ कैसे कटा हुआ है? चाय है, नाश्ता है और इब्राहिम है। मिट्टू उठ गए हो आज जल्दी? तो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और निकलने लगे हैं। इब्राहिम अभी भी सो रहा है, 2 दफ़ा उठ चुका है और 2 दफ़ा सो चुका है। सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं और हम लेट हो गए हैं, बस अब नीचे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस सफ़र हो चुका है हमारा शुरू और हमारे साथ हैं वलीद, इब्राहिम, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में 5 लोग। आगे जाके हमने एक और गाड़ी लेनी है और उसमें फिर हम 2-2, 3-3, 4-4 बंदे बैठ के सुकून से जाएंगे, सो के जाएंगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और ताकि थक ना जाएं सब लोग, इसलिए 3 गाड़ियाँ जाएंगी और सुकून से जाएंगे। टाइम तकरीबन है 7:15 पे हम तकरीबन निकले हैं, 15 से 20, 7:20 मिनट निकले हैं। एक स्टॉप हमारा निज़ाम में होगा, उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पर होता है, और क्योंकि 2-3 स्टॉप हमें करने ही पड़ेंगे, बच्चे हैं साथ, फैमिली है, तो ताकि सब लोग कम्फर्टेबल ईजिली जा सकें। फिर कुछ कहना चाहोगे? खुश हो? नींद आ रही है। कुछ अच्छा सा बोल लो। अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, सोच लो आगे बोलने। ओए मिठू क्या कर रहे हो? तो यार लास्ट टाइम नल ही नहीं थे, फर्स्ट टाइम जब मैं उन्होंने मैं ना आईडी कार्ड बनाने क्या करना आई मेडिकल के साथ भी हुआ था, टाइम बहुत घट गई तो इतना ही भी थी आई ठीक दवा। यहाँ पे उन्होंने डाइवर्जन दी हुई है कि आप राइट होके सीधे निकल जाएं, अगर आपने यू टर्न लेना है तो लेफ्ट हो जाएं। वो कुछ यूँ था कि हमेशा हम सीधे ही जाते हैं, उस दिन भी सीधे जा रहे थे लेकिन पता चला कि सीधा वाला रोड जो है वो यू टर्न है, ये जो रोड है। तो सफ़र फाइनली स्टार्ट हो चुका है, पहुंचते हैं रास्ते में, दिखाते हैं आपको क्या क्या रास्ते में आता है। थैंक यू। तो गाइस कोई 1 घंटे और 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं मस्कत। और ओए इब्राहिम उठ गए? तो इब्राहिम जो है वो रास्ते में सो गया था, फिर उठ गया, फिर सो गया था, फिर उठ गया, यहाँ बिल्कुल फिर भी नींद आ रही है। अभी ये सोएगा और यहाँ से हम कोई कॉफ़ी शॉफ़ी ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र चालू करते हैं। तो गाइस 3 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो हमारा सफ़र है पहाड़ों में गुजर रहा है, तकरीबन की मज़ीद शायद 2 से 3 घंटे और पहाड़ों में होगा, उसके बाद जो है वो सारा सहरा होगा आगे और उसके बाद फिर पहाड़ आ जाएंगे। इब्राहिम भी अब उठ चुका है थोड़ा बहुत, चलो इब्राहिम नाश्ता कर लो आप, ठीक है? चलो वेलकम। तो
अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन समझ ले आधा सफ़र से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी 500 किलोमीटर रह गया है, रश नहीं है बिल्कुल भी, मतलब सुकून माहौल है और चारों तरफ जो है वो अब सहर आ चुका है। एक और जगह पर रुके हैं, रास्ते में रुकते जा रहे हैं बस, हम तकरीबन कोई आधे घंटे घंटे बाद रुक जाते हैं। कुछ 4-5 स्टॉप हम कर चुके हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं पंप पर और यहाँ पर भी हम चाय शाय पी रहे हैं क्योंकि नींद आ रही है, सोचा थोड़ी चाय शाय पी लें ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएं। चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हल्की हल्की सी यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और साथ में पूरा सहरा है, कुछ तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर तक अब यह सहरा जारी रहेगा। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं सलाला शहर में और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये काले काले बादल हैं और ये सारे पहाड़ हैं और इसके आगे जो हैं वो सारे ग्रीन पहाड़ शुरू हो जाएंगे। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो ग्रीनरी है और जो धुंध है, जो पहाड़ हैं वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पहुँच के ना आपके सारे पैसे जो हैं वो पूरे हो जाते हैं क्योंकि आपने पूरा रास्ता पहाड़ देखे, सहरा देखा, तो यहाँ पहुँचा आपने ग्रीन पहाड़ देखे तो मतलब मज़ा आ जाता है। अभी भी हमारा कोई 35 मिनट आधे घंटे का सफ़र बाकी है जहाँ पे हमारा होटल बुक है, जहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए मौसम इंजॉय करने के लिए। और मच्छर शच्छर यहाँ पे हैं, क्रीम श्रीम लगा लो मच्छरों वाली, मच्छर आ गए हैं ये ना होता कोई। तो ये हमारे मेहमान, हमारे मामू यानी सबके मामू हमारे साथ पहुँच गए हैं सलाला, और ये छोटे मामू और ये बड़े मामू। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बड़ा प्यारा मौसम है जी, पहली दफ़ा आना हुआ मस्कत, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी, मेज़बान बहुत अच्छे, खूबसूरत लोग, अच्छे लोग हैं जी, जैसा सुना था वैसे पाया यहाँ पे। चलो चलो जी, अभी मुझे ठंड लग रही है थोड़ी बहुत और चलें आप जरा व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। हल्की हल्की सी बारिश फील हो रही है लेकिन धुंध की वजह से समझ नहीं आ रही धुंध है कि बारिश है। तो चलते हैं अपने होटल की तरफ और वहां पे जाके थोड़ा रेस्ट टेस्ट करते हैं फिर आपसे एक अच्छा। तो ये इन्होंने फेंस लगाई हुई है, इसके आगे आप नहीं जा सकते और वो सामने काले काले से दरख्त हैं, सामने एक ब्लैक सा बादल है और उधर बेहतरीन जगह है बैठने की। पानी के कतरे भी पड़े हुए हैं पत्तों के ऊपर। इब्राहिम बैठो, चलो बस 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 करो भागना। हाँ तो गैस हम पहुंच गए हैं फाइनली सलाला के शहर में और यहाँ पर अभी होटल शायद जो हमने विला बुक करवाया है वो हमें कल मिलेगा, अभी क्योंकि वो शायद वहाँ पर कोई ऑलरेडी फैमिली हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं इन होटल्स के बीच, पीछे सारे अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो अभी हम शायद आज यहाँ स्टे करेंगे रात को पीछे और उसके बाद सुबह शायद हम वहाँ जाएँगे अपने असली जगह पर। तो अभी हम यहाँ रुके हैं पता करने के लिए होटल का, यहाँ पे फ्रेश होंगे, खाना शाना खाएंगे। हाँ मज़ा आया, आया मज़ा, मज़ा आया, आया मज़ा। तो यहाँ चलते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं और विद आ रहे पीछे। तो गाइस आज रात के लिए हमारा स्टे यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक ये रूम है मतलब लाउंज टाइप है, सोफे रखे हुए हैं, टीवी है, एसी है, सब कुछ है और एक ये बेडरूम है, मतलब आज रात के लिए हमारे सिर्फ स्टे यहाँ पे होगा। कल जो हमने बुकिंग कराई है वो एक और जगह पर है। तो अभी देखते हैं रूम्स में, सिंपल से रूम्स हैं, कोई इतना खास नहीं है, अपार्टमेंट टाइप है, दो बेडरूम है, दो बेड यहाँ पर हैं, दो उधर हैं और बाकी वॉशरूम्स वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। अगर कोई 4 बंदे 8 बंदे यहाँ पे रहते हैं तो इजीली वो एक बात में रह सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश होंगे, जाएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, रेस्ट करेंगे सुबह उठ के,
फिर हम यहाँ से मूव करेंगे। तो चलते हैं, रेडी होते हैं और खाना खाते हैं। फिर भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से नाश्ता किया है बस, रास्ते में बस कुछ हल्की फुल्की चीज़ें खाई हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया है। बड़ा ही ठंडा मज़ेदार किस्म का पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है जैसे हम मरी जाते हैं या नरम कागान जाते हैं, बहुत ही ठंडा फिट किस्म का पानी होता है, बंदा हाथ भी नहीं धो सकता। तो यहाँ का पानी अच्छा है, सही है, मुनासिब है। तो अभी तो हम खाना खाने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह नहाएंगे और रेस्ट करेंगे, तो मज़ा आ गया मुँह धो के। तो गाइस खाना शाना हमने खा लिया और खाने की वीडियो मुझे तब याद आई बनाना जब खाना खा चुके थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। खाना अच्छा था, पाकिस्तानी होटल था और उसका नाम है काजी रेस्टोरेंट। खाना उसका अच्छा होता है, लास्ट टाइम भी हमने वहीं से खाया था, नाश्ता वहीं से किया था, तो मज़ा आया, खाना खाया है। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बारिश इस टाइप की है कि जैसे फवारा चल रहा होता है ना, हवा चल रही हो साथ से एक लहर पानी की आ रही होती है हल्की हल्की आपके पास, उस तरह का मतलब बारिश चल रही है हल्की हल्की। और अभी हम खाना चाना खा के आए हैं, गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, ऊपर बस सब सोने की तैयारी करते हैं, जाके नमाज़ पढ़ते हैं और सोते हैं, सुबह इंशाल्लाह उठेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे क्या प्लान बनता है। तो अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग असली व्लॉग कल से शुरू होंगे, अभी तो बस सारा दिन सफ़र में ही गुजरा है, ये उस्मान की या नीचे गिर गई है, तो चलते हैं ऊपर सोते हैं, आपसे मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह, बाय।